नमस्कार, साई नोम नोम आपका स्वागत है। मैं हूँ गणेश चिल्का। भिवंडी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से माजी क्रिकेटर और कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने साउथ इंडियन वाले के ऊपर जो टिप्पणी की उसके चलते साउथ वाले नाराज हो गए। उसके चलते भिवंडी के साउथ वाले आज दामनकर नाके स्थित पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके कटआउट लगाकर उनके कटआउट के ऊपर कालिक पहुंचा दिया है और कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ भिवंडी कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में भिवंडी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतोष शेट्टी और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश साउथ सेल के महासचिव कोंका मल्लेशम और भिवंडी के साउथ सेल के अध्यक्ष रामु वडलकोंडा, राजू गाजंगी व आदि मानव इस कार्यक्रम में शामिल हुए और साई नमो नमो से बात की। आइए देखते हैं। निषेध है, ये सिद्धू हरामजादे के खिलाफ निषेध है। इतनी निषेध है क्या सिद्धू हमारे साउथ पूरा साउथ का उन्होंने बहुत गलत बात कही। साउथ अच्छा नहीं है, हमको बुरा इतना लग रहा है क्या? वो भारत का कोई स्टेट का हमको इतना खराब अच्छा खराब लगता नहीं। उन्होंने उस पाकिस्तान का नाम लिया जिस पाकिस्तान डेली फेसबुक के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से उनके राजकारण हो, उनके आतंकवादी जो वहाँ उनको मान्यता है, उनके फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो, हर जगह भारत को गलत गलत ढंग से गाल देते, सैनिक को गाल देते। आज सिद्धू ने उस पाकिस्तान की तारीफ किया, इसलिए आज यहाँ के साउथ का जो हमारे अध्यक्ष प्रदेश के मल्लेशम कोंका, हमारे जिले के रामलुकोंडा, इनके नेतृत्व में आज उनको पोस्टर में चप्पल मार के जो कार्यक्रम हमने लगाया और उससे बढ़ के हम आज हमारे भिवंडी में हर समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, आगे समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के सब मिल के हमने शेष किया है और भिवंडी कोर्ट में गुहार दाखिल करेंगे। अभी हम पोस्टर में चप्पल मार रहे हैं, जो भिवंडी में आएगा उसको खुद सामने चप्पल मारेंगे, ऐसा हम डिक्लेयर करते हैं। दो जो पंजाब के जो मंत्री है और ऐसे आदमी जो जवाबदार व्यक्ति आज जो साउथ इंडियन के ऊपर जो उसने अपशब्द वापरा है उसके लिए हम लोगों ने भिवंडी के पूरे पूरे समाज के लोग और पूरे साउथ इंडियन और हमारे टोकटे हमारे पूरे भाषी हो पूरे भारत के जितने भाषी यहाँ के रहते हो सभी लोग ने उसका निषेध किया है और आगे हमारे हम लोग उसके ऊपर भी जो कायदे से जो गुनाह है उसका दाखिल करने वाले हैं। ऐसे लोगों के ऊपर जो भी है और भारत में रहते हुए भी और पाकिस्तान का जो इसका जो तारीफ करते हैं ऐसे लोगों का पूरा पूरा हम लोग उसको भारत से खदेड़ने के लिए हम कहते हैं और खदेड़ना चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं दोबारा उनको बोलता हूँ ना, उसको कोई हक नहीं, उसको अभी कुर्सी पर बैठा है जो मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा है और वो नवजोत सिद्धू ऐसे वक्त करते हुए भी और उसको शोभा यतन है उसका पूरा निषेध करता हूँ। साउथ ही नहीं ऑल इंडिया का उसने अपमान किया हरामखोर ने। पहली बार तो पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था, इमरान खान जब बना प्रधानमंत्री उसको न्योता सब लोगों को दिया गया था, क्रिकेटर को कोई गया नहीं है। वो हरामखोर गया तो उसको फिर से वीज़ा निकालो, उसको पाकिस्तान भेजो, वो अपने इंडिया के लायक का नहीं है। उसका जो शो चल रहा है आजकल टीवी में वो शो बंद करना चाहिए। ऐसा अपन जो इंडस्ट्रीज है उसको लेटर देना चाहिए, उसको हकालना चाहिए और उसको मंत्री होने का कोई अधिकार नहीं है। इंडिया में रह के इंडिया के लोगों के खिलाफ बोलने वाला इंडियन हो सकता नहीं है, उसके ऊपर देश दुनिया का कुरान दाखिल होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग और अर्जी घोष है। जो नवजोत सिद्धू ने जो साउथ इंडियन के बारे में जो टिप्पणी की हम उसके लिए निंदा करते, उसी अवसर पर आज हमें यहाँ पर दामन नाके पर निषेध कार्यक्रम रखे। इसमें सभी जातियों के यहाँ के महाराष्ट्र मुस्लिम गुजराती महाराष्ट्र सभी लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर एक कार्यक्रम को विजय किया। जो सिद्धू ने जो वाक्य किया है वो बहुत गलत सा बात किया है। मैं तो बोलता हूँ उसको जाके पाकिस्तान में रहना चाहिए, ऐसा आदमी तो हिंदुस्तान में क्या क्यों रहते हो? जब पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान में जाके राजनीति करो। आने वाला समय में हम लोग कानून के थ्रू से भी अगर हो सकेगा तो हमने जैसे राहुल गांधी को हमने जैसा केस डालकर भिवंडी में बुला रहा है बार बार, वैसा ही सिद्धू के ऊपर भी हमने
केस डालकर मानहानी दावा करके हम उसको भिवंडी बुलाएंगे और 10 बार क्या 100 बार भिवंडी आते रहेंगे तभी उसको सिखाएंगे कि भिवंडी आने के बाद साउथ इंडिया क्या होता है करके।